बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंडिया स्टेट्स मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो पीईटी का पेपर जो हमने शुरू किया था उसका पार्ट 5 है, और मैथमेटिक पोर्शन में हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आज उसकी दूसरी, और इंशाल्लाह ताला इसके फौरन बाद वीडियो नंबर 3 मैथमेटिक पोर्शन की अपलोड करूंगा। उसके बाद इंशाल्लाह ताला मजीद पेपर जितना भी है तमाम पेपर को अपलोड करूंगा आहिस्ता आहिस्ता। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। क्वेश्चन नंबर 37 तक ऑलरेडी हम कर चुके हैं और आज क्वेश्चन नंबर 38 है। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए, दिस वन, सम ऑफ एक्स प्लस 7y माइनस 3 एंड 6x माइनस 2y प्लस 5 इज, इन दोनों को जमा करना है। तो देखिए कैसे जमा करता है, ये इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। दोस्तों ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन है और ये पहला वाला क्वेश्चन है एक्सप्रेशन, ये देखिए इसको जमा करने कोएफिशिएंट इसका एक है, एक और 6 7 x हो गया, ये इस तरह ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस 7y आ गया, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये प्लस 2 आ गया, तो इसका आंसर आ गया 7x 5y प्लस 2। तो देखिए वहां पर ऑप्शन हमारे पास 7x प्लस 2 और 5y प्लस 2, ऑप्शन डी देखें दोस्तों, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास है, कोशेंट ऑफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 इज 5। क्वेश्चन इतनी इजी है लेकिन थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है। देखिए दोस्तों ये हमारे पास अब यहां पर हमें पता होना चाहिए कि कोशेंट किसको कहते हैं। कोशेंट जब हम डिवीजन करते हैं ना दोस्तों, डिवीजन करते हैं तो डिवीजन में एक कुंसा होता है डिवाइडिंग, जिसको हम डिवाइड करते हैं, और डिवाइजर जिस पर उसको हम डिवाइड करते हैं, और जो नीचे जो बचता है उसको रिमाइंडर कहते हैं, और ऊपर जो हिंसा आता है जिसको आंसर कहते हैं, दैट इज कोशेंट। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर ऑप्शन बी को जरा देखे, इस एक्सप्रेशन को देखे ऑप्शन बी को, ये यहां पर हम जो कोई एक हिंसा लगा लें उसको डिवाइड करें तो इससे आंसर आ जाए 5, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन। अगर इस टी की जगह हम 20 लगा लें 20, तो ये क्रॉस हो जाएगा 5 के साथ इक्वल टू 5, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, सिंप्लीफिकेशन ऑफ गिवन एक्सप्रेशन एट ए टू बी थ्री डिवाइडेड बाय 24 a 3 b 2, यह इंतहाई इजी क्वेश्चन है लेकिन चलो हल करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमारे पास वो क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको डिवाइड के सूरत में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब एट ए टू को ऐसे लिखते हैं और बी थ्री को 3 दफा इसको हम लिख लिया, ये मैं आसानी के लिए समझा रहा हूं, ऐसा आप आसान और इसके और तरीके भी हैं, और 24 ए ए को इस तरह लिखे, ए 3 है और बी, तो ये देखिए इसमें ऐसा हुआ कि 8 क्रॉस हो गया 24 के साथ 3 के साथ, ये 2 ए इसके साथ और ये ए इसके साथ क्रॉस हो गया, और 2 बी जो है ना ये भी, ये दोनों इन बी के साथ क्रॉस हो गए, तो ऊपर आ गया बी बच गया, तो यहां पर आ गया बी, फिर यहां पर 24 की जगह 3 आ गया था, तो 3 और ए, तो आंसर आ गया हमारे पास बी डिवाइडेड बाय 3 ए। तो देखिए ऑप्शन उसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, 3 बी डिवाइडेड बाय 3 ए, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन, इसमें ऑप्शन ए बी है दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन बी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 को जरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 दोस्तों, इसका फिगर सही तरह नजर नहीं आ रही इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, अगर हो सके तो आप खुद हल करने की कोशिश करें,
थोड़ा सा आपको बताता हूं, ये देखिए लिखा हुआ है कि ए ट्रेन ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ वाई किलोमीटर पर आवर, लेकिन यहां पर एक्चुअली ये नजर नहीं आ रहा कि ये क्या लिखा हुआ है, तो इसकी वजह से क्वेश्चन को हम हल नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 42 को जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, 42 नंबर क्वेश्चन को देखिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर फ्रॉम दिस, ये नजर आपको नहीं आ रहे हैं लेकिन इसको मैं लिख चुका हूं, देखिए तो इसको ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को देखें, ये वाला सब्ट्रैक्शन ऑफ ए स्क्वायर बी बी स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर फ्रॉम चार ए स्क्वायर, ये ए जो है ना ये स्क्वायर है, ठीक है, चार ए स्क्वायर बी माइनस टू बी स्क्वायर सी प्लस सिक्स ए सी स्क्वायर, तो इसको पहले लिख लिया और इसमें से इसको माइनस करना है। दोस्तों जब हम माइनस करते हैं तो नीचे वाले के जितने भी सिंबल्स होते हैं, अलामत होते हैं, वो तब्दील हो जाते हैं, चेंज होता है। तो देखिए ये माइनस आ गया तो कोपिशन तीन से एक माइनस हो गया तो आ गया तीन ए स्क्वायर बी, यहां पर ये माइनस हो गया तो माइनस और माइनस माइनस टू माइनस वन इज इक्वल टू माइनस थ्री बी स्क्वायर सी, ये माइनस हो गया तो ये पांच ए सी स्क्वायर आएगा, फिर इससे आंसर हमारे पास आ गया थ्री ए स्क्वायर बी माइनस थ्री बी स्क्वायर सी प्लस पांच ए सी स्क्वायर। तो देखते हैं कि उसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए है दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43, ये भी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, द वैल्यू फोर, द वैल्यू फोर इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन में चार अगर हम एक्स की जगह लगा लें तो कौन सी इक्वेशन करेक्ट आएगी, ठीक है, एक्स की वैल्यू चार को अगर हम फिट करें, देखिए इक्वेशन ए में, ए में अगर हम चार लगा लें तो चार दोने आठ, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए है, बाकी सारे करेक्ट नहीं है। देखिए जरा देखिए, बी में अगर हम चार लगा लें तो चार जमा चार इज इक्वल टू जीरो नहीं आता, गलत है। सी में अगर हम चार फिट करें तो चार चार सोलह मन पीछे, ये भी गलत है। ऑप्शन डी चार जमा दो इज इक्वल टू जीरो, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास है दिस वन, साइज ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ, ये अपनी जुबानी के लिए याद रखे, या मैथमेटिक जिन दोस्तों ने पढ़े हैं उसको याद होते हैं, तो इसमें ये है टर्न फ्रॉम वन आर्म टू द अदर, जिस तरह ये एंगल है देखे इसको, ये हमारे पास सपोज यहां पर आपको बताता हूं, ये हमारे पास फर्ज करें एंगल है, ठीक है, तो इसका ये साइज जो हम उसकी पेमाइश करते हैं तो ये टर्न फ्रॉम वन आर्म टू अनदर या अदर, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 45 को जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास है, देखिए क्वेश्चन नंबर 45 एक रेक्टेंगल दिया गया है हमें, द एरिया ऑफ द फिगर इज, रेक्टेंगल दिया गया है इसकी हाइट और लेंथ हमें दिया गया है, देखिए 36 एम और 20 एम, एरिया जो है ना हम इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो इससे हमें एरिया मालूम हो जाएगा, तो 36 मल्टीप्लाइड बाय 26, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इससे हमारे पास आ जाएगा 720 एम स्क्वायर, 720 एम स्क्वायर, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी बनता है, ये तो इतना इजी क्वेश्चन है 720 एम स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 45। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46 को जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 को, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो आई थिंक इसको बाकी कितने जितने भी इंशाल्लाह ताला उसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूं, क्योंकि मैथमेटिक्स के ये पांच क्वेश्चन रहते एक वीडियो में नहीं समझ सकते,
वीडियो लंबी हो रही, इसलिए जितने क्वेश्चन आज के वीडियो के लिए काफी है। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आए, वो समझ गए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें।